पाम का बिगेस्ट स्ट्रगल है पाम फोर्ट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मड फोर्ट है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। जलजले की वजह से जो एक्सवेयर पाम का जलजला आया उसमें इसका काफ़ी हिस्सा डिमोलिश हो गया, तो ये अभी अंडर रेनोवेशन है। यूनेस्को इस पर काम कर रही है और काफ़ी बड़ा फैला हुआ है और उस साइड तक इसकी बाउंड्री जाती है। आउटर वॉल्स को अभी कवर कर लिया गया है, बेहतर कर लिया गया है। इसके अंदर पूरा शहर एक आबाद था, बाजार थे और इंटीरियर जो एक रॉयल यार्ड था वो था, बहुत कुछ है देखने को। और हमारे साथ रहे बम अपनी पूरी दुनिया में खजूरों की वजह से मशहूर है और इसकी मजाफाती खजूरें पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। और ये एक मॉडल बनाया गया है बम फोर्ट के बाहर के, ये खजूरें उसको तैयार की जा रही हैं और ये ऊपर भी एक मॉडल जो है ना खजूरें उतारने में ये उसको बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त बाम शहर में हैं, ये बाम की जामे मस्जिद है हमारे। बाम को काफ़ी सफाई का जो सफाई नसफ ईमान कहा जाता है, हमने ईरान में इसको वाज़े तौर पे देखा, बहुत ही खूबसूरत ब्लू टाइल्स का वर्क हुआ हुआ है। यहाँ आज जुम्मा है, जुम्मे को यहाँ हॉलीडे होती है, मार्केट्स बंद हैं और जुम्मा प्रेयर्स की तैयारी हो रही है। बाम में एक उनकी लोकल पंसार शॉप या हर्बल प्रोडक्ट्स की शॉप है, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बड़ा सफाई और उसे सजाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त मेबोद में मौजूद हैं। ये कबूतर टावर हैं, ये इसमें कई हज़ार घोंसले बनाए गए थे, ये काफ़ी पुराना कदीम है और इसका मकसद यहाँ कबूतरों को उनके घोंसले बना के उनको आबाद करना था। और ये खिता किसी वक्त बिल्कुल वीरान था और मकसद था कि परिंदों को यहाँ ठहराया जाए, जो जंगली कबूतर थे उनको, ताकि ये एरिया आबाद रहे उनके उनकी वजह से। अभी इनको इसको हम विज़िट करते हैं, ये ईरान की गवर्नमेंट ने काफ़ी इसको रिस्टोर किया हुआ है और इसकी मेंटेनेंस और इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे भी इंट्रोड्यूस किया है। ये कई हज़ार घोंसले बनाए गए इसको परिंदों के, कहते हैं कि 3000 घोंसले हैं इसमें। और ये हिस्सा किसी वक्त काफ़ी गैर आबाद था, अब तो एक शहर का हिस्सा बन गया। तो यहाँ बेसिकली कबूतरों को कि ये इस तरह के हाउसेस बनाए गए ताकि इस एरिया में परिंदे यहाँ रहेंगे तो उनके जो जुजला है तो वो यहाँ खेतों में काम आएगा, ज़मीन की आबादकारी में ये काम आएगा।